हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेवन क्लासेस। आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? जो हकीकत में कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है कोई भी डिस्टेंस को, वो क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ इसने कवर किया वो क्या है? डिस्टेंस। मान लो कि 40 किलोमीटर गया है, या ना अपने घर से, कोई बच्चा है अपने होम से कहाँ गया? स्कूल गया, है ना, स्कूल गया तो कितने गया? 40 किलोमीटर गया। तो ये क्या है? 40 किलोमीटर लिखा है ना, जो ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। इसकी अब इसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? हमेशा मीटर, ठीक है। मीटर लिख दी एसआई यूनिट, सिंबल है एम, ठीक, स्मॉल एम से दिखाएंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट, फिर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हमारे जो डिस्टेंस है कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्थ पॉइंट है, इट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई बॉडी चली है तो हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। जो भी बॉडी, अगर ये मान लो ये लड़का यहाँ से यहाँ गया है, चला है ना, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। अगर चलेगा तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर CGS की यूनिट की बात करें, जैसे ये, चलो ये तो हो गया, CGS की बात करेंगे, CGS यूनिट की बात करें, तो भाई लेंथ को क्या लेते हैं उसमें? सेंटीमीटर लेते हैं CGS यूनिट में, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और आएगा तो आगे डिटेल में बात कर लेंगे। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मानते हैं कोई बच्चा है ए में है, ए जगह से चला गया बी पे, है ना, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी मान लो। उसके बाद वो नीचे साउथ की तरफ चला गया, मान लो 8 किलोमीटर, कितना? 8 किलोमीटर। ये सी पॉइंट में आ गया। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होता है? एक तो इनिशियल, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब क्या होता है? शुरुआती, शुरुआत में कहा था इनिशियल पोजीशन है ना इसकी, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, सी में कहा है फाइनल पोजीशन, इन दोनों के फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। क्या खींच दो? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो इसकी अगर जो लेंथ निकलेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन खींची हमने, अगर इसकी जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर बात करूं, यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अपनी जगह से खिसका कितना है, डिस्प्लेस कितना हुआ है। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इस पाथ से कोई मतलब नहीं है, इस पाथ से कोई मतलब नहीं है। इसमें बस सिर्फ क्या चाहिए? एक तो इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो बस हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकल जाता है। कैसे निकलेगा? देखो, अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम मानूं तो ये एच स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर पी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से? 36 प्लस कितना? 64। सम करने कितना आएगा? 100, है ना। तो इसका भी अगर अंडर रूट एच स्क्वायर अगर अंडर रूट निकालेंगे तो एच वैल्यू कितना आ जाएगी? अंडर रूट 100। और एक इसकी वैल्यू होती है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास कितना? 10 किलोमीटर। अगर हम बात करें किसकी? डिस्टेंस की। देखो, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकल के आता है? डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 किलोमीटर। देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर है, और डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ पहले,
है ना। इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट, बस यूनिट, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी हमारी, जो थी मीटर, क्योंकि ये भी तो क्या है, डिस्टेंस ही है ना, एम। चलो फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या चाहिए हमें, बोध मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। थर्ड, अगर हम बात करें इसकी, ऐसा यूनिट भी हो गया, वेक्टर भी हो गया, और इट कैन बी, इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कब कब क्या क्या होगा देखते हैं। और बताऊं आपको कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इट ऑलवेज, हाँ लिखा है ना, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसे होता है चलो देखते हैं। और अगर मैं बोलूँ फोर्थ पॉइंट, अगर मैं इसका बोलूँ कि जो ये वेक्टर होता है, वेक्टर का भी जैसे मान लो यहाँ से लेकर कोई पी है और ये क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ पॉइंट तक गया, तो इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है कि पी क्यू इसके ऊपर से एक एरो हेड लगा देते हैं, ठीक है। एक एरो उसके यहाँ पे मतलब एक ऐसे लंबी लाइन खींचेंगे उसमें ये, तो इसको कभी कभी ऐसे दिखा देंगे, कभी शॉर्टकट में तो पी क्यू दिखा देंगे, है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा। तो इसको जो ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये चीज़ें जो है ना, फिर इसको इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा, तो इसमें ना वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा फॉलो होता है। क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा, इसके लिए अलग ही चीज़ चलती है, अलग है वो, 11th क्लास में है वो, उसमें डिटेल में बात करेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एलजेब्रा से सॉल्व होता है ये, तो नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उससे सॉल्व हो जाता है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या फिर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके लिए लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और हैं देखो ज़रा, डिस्टेंस इज़ द, मैं भी उसको भी उस पर भी आऊँगा जीरो नेगेटिव वाले पे, पहले ये बात करते हैं। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन, तो जो भी पाथ होता है उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, और लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों चाहिए बस, उसको कोई मतलब नहीं बाकी पाथ कौन सा भी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इवन जीरो, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट कम बाकी हो सकता है, कैसे देखो जरा। अभी पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, इवन जीरो होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो हाउ कैन बी डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे कैसे जीरो हो सकता है पॉजिटिव। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारे पॉजिटिव चीज़ की, ठीक है, अगर मान लो कोई ए पॉइंट पे था, है ना, घूम के वापस ए पे आ गया, पूरा घूम के यहाँ से गया, है ना, घूम के पूरा वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब जिसकी इनिशियल इनिशियल पोजीशन और इज इक्वल टू किसके हो जाए, फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा उस टाइम पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव क्या होगा, जब कोई बॉडी ए टू बी जा रही है, ए टू बी जा रही है लेकिन स्ट्रेट पाथ में जा रही है, किस पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, जब स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं यहीं पे, कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं जब स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होते हैं किसके केस में, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं,
ठीक है। अच्छा, निगेटिव कब होता है? मान लो कि कोई बॉडी है ना, हमने किसी नंबर फॉर्म में, मतलब नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ से -1, -2, -3 एंड -4 करके रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ए टू बी जाता है, ए मान लो यहाँ से ए टू बी, यहाँ पे से रेफरेंस पॉइंट लेंगे, यहाँ से मान लो 4 किलोमीटर ईस्ट में चला गया, 4 किलोमीटर टू ईस्ट, कहाँ गया, ईस्ट की तरफ हो गया, चलो 4 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट की तरफ को चला गया 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसका पीछे मुड़ गया, सीधा बैक मिल गया, वेस्ट को मिल गया, फिर वहाँ से मुड़ा और पीछे चला गया, मान लो 6 किलोमीटर, कितना चला गया, 6 किलोमीटर टू वेस्ट, वेस्ट आ गया। तो देखो पहले यहाँ से लेकर कहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से फिर वापस आया कहाँ तक, 6 किलोमीटर पीछे, 4 तो ये हो गया, यहाँ तक 4, 5, 6, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी अगर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर यहीं तो होगा, है ना। इनिशियल क्या था हमारा, 0 से 4 गया था, 4 से इधर गया था, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे पहुँचाइए, -2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -2। और डिस्टेंस कितना हो गया, अगर इसी में बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो देखो डिस्टेंस भी देखो कितने, अच्छा यहाँ पे समझ में आ जाएगा सब, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6, 4, 10, 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस भी निकल जाता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, इसके बेस में थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो क्वेश्चन कहता है कि वट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अ सर्कुलर पाथ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ सर्कल। अब कह रहा है कि कोई बॉडी है, वो यहाँ से यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल को इसने कवर कर लिया। चलो एक चीज़ बताओ, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर, रेडियस कितनी है, आर। अब इसी के ऊपर से गया है वो, है ना, डिस्टेंस बताना है। देखो डिस्टेंस होता क्या है भाई, डिस्टेंस है ना, वट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ, यहाँ से लेकर ऐसे गया है और यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो डिस्टेंस तो चलो पूरा सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, ये जो लेंथ है वो कितनी होती है सर्कल की, तो होती है 2πr, कितनी होती है 2πr अपॉन 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई आर, हमारा क्या डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से पाई आर। अब इसी की अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो देखो यहाँ से लेकर आर यहाँ तक तो क्या है आर है, फिर और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी आर है, रेडियस रेशियो 2r होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे से डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगी वो निकल जाएगी 2r, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r, ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा। इसमें बेस में अगर नंबर वैल्यू बात करें, तो देखो अगर अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से पूरा सेमी सर्कल कवर करते हुए यहाँ पहुँच गया, इसका जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर था, तो इसमें बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालो और डिस्टेंस निकालो। डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो यही डिस्टेंस है, देखो है ना। और ये क्या है हमारी डायमीटर, 7 मीटर, 7 मीटर कितना हो गया 14 मीटर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो इतना ही होगा ऊपर पाई आर, सरकम क्या होता है, सरकम सरकम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है ना पाई आर, पाई के वैल्यू 22/7 रख लो, यहाँ पे रेडियस कितना है 7, यहाँ से यहाँ कैंसिल, कितना आ गया 22 मीटर आ गया, ख़त्म। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी हो गई 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 14 मीटर। तो यहाँ से एक बात भी समझ में आती है कि जो हमेशा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी हमेशा बड़ी होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट पे। इक्वल भी तभी होगी, इक्वल भी तभी होगी जब क्या हो, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी ए टू बी। कैसे देखो जरा, ए से मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर गया, ए टू बी 5 किलोमीटर गया, तो 5 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 5 किलोमीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, बस यहाँ से क्या हो गया, ये भी 5 है, तो तभी बराबर हो सकता है, ठीक है, तभी मैंने इक्वल का साइन लगा रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो मैं इसका जो जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।